है तेलुगु मूवीज़, बट लकी के बाद फिल्म्स नहीं करना वो एक डिसीजन था। एक्चुअली जब लकी किया था तब मेरा फ्रेम ऑफ माइंड क्या था कि मैं अपने कॉलेज में बहुत फेमस हो जाऊंगी, इसके लिए मैंने लकी किया था। कभी एक्ट्रेस बनने के लिए कभी लकी नहीं किया था। और लकी जब रिलीज़ हुआ और इतना रिकग्निशन मिला, तब भी मेरा डिसीजन वही रहा कि मुझे एक्ट्रेस नहीं रहना है। सो व्हाट नेगेटिव चीज़ जो हुआ लकी के बाद इज़ मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाह रही थी और मैं नॉर्मल लड़की भी नहीं रह पाई। सो आई वॉज दैट इन दैट कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्यूज जोन। बट टू ईयर्स आफ्टर दैट मुझे साउथ से ऑफ़र आया था और तब मैंने सलमान से जाके बात किया था कि एक बहुत बड़ी फिल्म आई है तेलुगु में, करूँ। तो उन्होंने ये बोला, देखो आपको एक्ट्रेस नहीं बनना है, बोल तो रहे हो पर बार बार डेस्टिनी आपको बड़ी बड़ी फिल्म्स दे रही है, ऐसा नहीं होता है, आप एक और बार ट्राई कीजिए, देखो आपका दिल लगता है एक्ट्रेस बनने में कि नहीं। और तब मैंने तेलुगु फिल्म्स करना शुरू किया और वहाँ पे बहुत रिकग्निशन मिला वापस। सो समवेयर इन माय हार्ट की यार शायद नहीं, 2013 में मेरा लास्ट रिलीज़ हुआ साउथ में एंड 2014 बेजुबान इश्क हुआ। सो वो करेक्ट टाइम पे सब चीज़ हुआ। सो आई एम बैक नाउ। सलमान साहब की बात हुई थी एक बार की, आप बोल रही हैं। ऑफकोर्स सलमान को पता था लकी के टाइम पे भी कि मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना था, तो भी आपने की फिल्म की क्योंकि मुझे अपने कॉलेज में फेमस होना था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया में फेमस हो जाऊंगी। वो छोटी थी, आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड जब वो ऑफ़र आया था। सो वो इतना बड़ा फ्रेम ऑफ माइंड था ही नहीं, अरे वाह कि मैम वॉन्ट टू बी फेमस। सो बस कॉलेज की रानी बननी थी, यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फेमस इन कॉलेज। तो दैट वॉज द रीज़न मैंने लकी किया था। और सलमान को पता था कि मैं वो हीरोइन मटीरियल हीरोइन नहीं बनना चाह रही थी या नहीं कर पा रही थी, उनको पता था वो सब, बट कर लिया। एंड मेरे लिए वो टाइम पे छोटी थी, इतना पैसा कमाऊँगी, कॉलेज में मैं पूरी तरह से फेमस हो जाऊँगी। सो दोज वर द रॉन्ग रीजंस टू डू अ मूवी, बट कर ली एंड इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी, बिकॉज अभी तक लोग जानते हैं। 10 ईयर्स के गैप के बावजूद लोग मुझे पहचानते हैं एंड आई एम वेरी टच वुड वेरी लकी। एंड बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो गायब होने के बाद वापस आते हैं एंड आई एम सेकेंड टाइम लकी। एंड बेजुबान इश्क विल प्रूव लकी फॉर मी बिकॉज इट्स होता है ना डेस्टिनी, करेक्ट टाइम पे सब चीज़ फॉलो होती है, दैट्स बेजुबान इश्क फॉर मी। अच्छा, आपने सलमान के साथ फिल्म की, आपने साउथ की भी फिल्म की जी, लेकिन अभी भी लोग आपको सलमान की ही एक्ट्रेस मानते हैं क्या? सलमान की हीरोइन यस, अभी भी लोग सब वही कहते हैं और वही तो रियलिटी है। आई एम अ सलमान खान हीरोइन और आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और 10 years 10 films फ्रॉम नाउ जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हूँ, पर फिर भी आई एम गोइंग टू कॉल माई सेल्फ अ सलमान खान हीरोइन बिकॉज सलमान और अर्पिता, उनके वजह से मैं आज जो हूँ मैं हूँ। एंड आई एम नॉट एरोगेंट और आई हैव नो ईगो ये बोलने के लिए। ऑफकोर्स होती है राइट फ्रॉम लकी टिल नाउ। आई थिंक सबको पता है सलमान इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय कि वो मतलब से काम रिलेशनशिप्स रखे। एंड वी हैव बीन इन टच राइट फ्रॉम लकी से लेके अभी, इट्स बीन अ वेरी वार्म रिलेशनशिप। लाइक मैंने हर इंटरव्यू में कहा है, बॉलीवुड हो नहीं हो, फिल्म्स आए नहीं आए, सलमान हमेशा रहेंगे मेरी ज़िंदगी में। लेकिन सलमान की प्रोडक्शन भी आएगी जी, साउथ फिल्म्स में कर रही थी और वो टाइम पे मुझे बॉलीवुड में नहीं आना था। एक प्लान था जब मैं रेडी हूँ, बिकॉज एक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री और कॉम्पिटिशन बहुत है, आई वॉन्टेड टू बी कम्प्लीटली रेडी। ऐसा नहीं है कि वापस आऊँ और वापस गलतियाँ करूँ और वापस गायब हो जाओ। तो एक टाइम के लिए मैं वेट कर रही थी। तो अदरवाइज इन बिटवीन ऑल्सो लॉट ऑफ गुड ऑफर्स एट कम बॉलीवुड में, बट आई डोंट थिंक वो करेक्ट टाइम होता। आई फील रेडी नाउ। या एक्चुअली आई हैड आई सी आई आई
No, I never had a plan to make my identity in the industry. That's what I'm saying. There was never a plan to be Sneha Ulal in the industry. So that whole thing about comparisons to Aishwarya Rai and all that, it didn't bother me because I was okay with it. There's one thing ki agar ek actress ko actress banna hai, to tab wo ego, you know, you'll start feeling kyun compare kar rahe. But I never had that. And the plan was never to be an actress. So I was very happy with being that college girl, Sneha Ulal in my... Because I was famous in college. So my agenda was that and it was complete. And Aryan also, I did Aryan lucky ke time. Pe hi. It was not after 2-3 years of lucky. But the decision to leave Bollywood was fixed. It was like, there was no confusion about that. Coming back to the Bollywood, what really made you choose this film based on? And what are your plans? I mean, what are the films that you're looking forward to? Bezuban Ishq, I am a crazy love story lover. I think my image, my look, everything suits that. And I had hoped that I get a very deep love story as a relaunch, and that's exactly what Bezuban Ishq is. It's, in my words, I put it as a very painful love story. And you know, the best part about Bezuban Ishq is it's a very pure film. Like, even my character Rumjum, there's innocence and this purity, it shows. My director, somebody who believes in do work honestly and everything will fall in place. He's that man who believes, he's a God-fearing, God-loving man. And this is the kind of film your kaka, kaki, mama, mami, bache, everybody can watch this film. It's that film. So I'm very proud to be a part of such a clean film. And it suits me. It suits my image. It suits my character. And I'm just waiting for everybody to watch it. And I'm waiting to share this film with everybody, because a lot of people are asking, when are you coming back? And, you know, it's that curiosity is there of Salman Khan heroine coming back. So I hope that works as an advantage for the film. What are you looking for? You know, I'm a very greedy actor now. Itna gap hua hai, abhi I'm not choosy. I want to do every film I can get. And yes, I am a greedy actor, and I'm very happy that I'm greedy. And I'm not looking at particular films or anything like that. I just want to work, and I want to work so much that I have no more energy except to sleep. So that's the plan now, that's the hope, that's the prayers. What are the projects currently after this? So I've signed and finished one film that's called Sakho 363. It's a Rajasthani, it's a film on Rajasthani history. It's based on Chipko movement, and I'm playing the biopic of Amrita Devi. So it's a very, very important role for India, because it represents India. And it's one of my first. And the audience is going to see a very different Sneha Ulal in that. So, Salman ke baad aapke liye actor ke sath aap chahti hai ab how ab Salman ke liye main hoti hai aap mujhe jo wapas aana hai main chahti hai ki main agar mujhe har hero ke sath pair hona hai no lekin fir bhi kuch hoga na dimag mein ye agar ye agar ho jaye to like ha that's an interesting question. So ye jo new age heroes hai like Varun, Siddharth and all that, I would love to be paired with them, because I haven't as yet, except for Nishant, I haven't as yet been paired with my age group guys. So that's my, I hope that happens very soon. Otherwise, I am a fan of Akshay Kumar. He is the first actor I ever met when I was a kid, when I was staying in Muscat. And when I came down for vacations, he was the first actor I ever met at Joggers Park. So that kind of, that cute connection is there in my life. So I haven't even met him in my life. Even after being an actor, I've never met him. So, yes. Akshay's film is coming. Yes. Akshay's film is coming. Yeah, so. Have you seen his promo? Ji. Salman's film is coming. Of course. Yes. बात हुई और कंग्रेचुलेट किया और यही कहा कि अगेन लुक्स लाइक अ स्मैशिंग हिट एंड यू नो गुड लक बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, लक तो है ही है आपके पास. सो या बट आई होप वो कुछ ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, पर मुझे तो नहीं कहा ऐसे. एंड मैं कभी उनसे कुछ ऐसा मांग भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज लाइक आई सेड बॉलीवुड इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग बिटवीन मी एंड सलमान खान.
एक्चुअली क्या हुआ था, लॉन्ग टाइम बैक मॉम को कैंसर हुआ था एंड उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स मेरे लिए बुक किए थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट अपॉइंटमेंट्स थे, जो 6-7 मंथ्स वेटिंग था. तो वो छोटी चीज़ें के वजह से ना मेरे लिए उन्होंने वो किया एंड आई के नॉट आस्क, लाइक आस्किंग अ मूवी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ होगी. और मुझे वो काम को इन क्या बोलते हैं, या आई डोंट वॉन्ट टू, लाइक नॉर्मली वॉट हैपन्स, प्रोफेशन मिक्सअप होता है, रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, वो नहीं चाहिए मुझे. सो आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दैट. जी हुई है, जब मैं फिल्मफेयर के लिए नॉमिनेट हुई थी तब मैं, दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्मफेयर अवार्ड्स, और वो बैक स्टेज में मिली थी मुझे और मैं एक्चुअली घबरा गई थी कि मैं उनको हाँ बोल, लाइक हाई बोलूँ नहीं बोलूँ, बिकॉज उनको भी शायद पता होगा कि वो क्या मीडिया का ऐश्वर्या लुक लाइक. सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मैं शुड आई गो मीट हर और नॉट, बट आई डिड गो एंड पे माई रिस्पेक्ट टू हर एंड वो शी वॉज़ वेरी वेरी स्वीट टू मी.